क्या कोई आश्रम में ऐसी बातें फैला रहा है? हाँ, कि सदगुरु आपका ध्यान रखेंगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो, आप बस सोते रहिए। अगर आप भगवान से ओवर टाइम करवाते हैं तो वो भी एक दिन आप पर ऐसा निकालेंगे कि आपको हर चीज के लिए पछताना पड़ेगा। और ये मुझ पर भी लागू होता है। सौदेबाज लोग अलग तरह के होते हैं, भक्त अलग होते हैं। अगर आप में वैसी भागीदारी है तो कृपा के झरने बहेंगे, ना कि बूंद बूंद। भक्ति का मतलब ये नहीं कि देवी आपके काम करेंगी या सद्गुरु करेंगे। ये बकवास आपको किसने बताई? क्या कोई आश्रम में ये सब फैला रहा है? अरे सद्गुरु आपका ख्याल रखेंगे, चिंता ना करें, चिंता ना करें, आप बस सोते रहिए, सद्गुरु जागेंगे और आपके लिए साधना करेंगे। ऐसी बातों की वजह से ये देश, जो एक समय में आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक जबरदस्त उदाहरण था, वो भाग्यवादी और खुद के खिलाफ हो गया है इस शिक्षा के कारण। चिंता ना करें, चिंता ना करें, भगवान आपका ख्याल रखेंगे। कुछ साल पहले कोई मॉरिशियस से आया था, लगभग 25-27 साल पहले। तो ये तमिल लोग हैं जो 3 पीढ़ी पहले वहां गए थे। ये वाली पीढ़ी कभी भारत नहीं आई थी। अब वे कोई उद्योग चला रहे हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह। तो अब उन्होंने अपनी जड़ों का अनुभव करने के लिए तमिलनाडु आने का फैसला किया। आज भी वे अपनी ही तरह की तमिल बोलते हैं। तो वे चेन्नई आए और वहां से वे कुछ मंदिरों में गए और वे चेन्नई से कोयम्बटूर वापस जा रहे थे। तो वे यहां आए और स्वाभाविक रूप से हमें दिलचस्पी थी। आपको कैसा लगा, क्योंकि 3 पीढ़ियों के बाद आप वापस आ रहे हैं अपने पूर्वजों की धरती पर, कैसा लग रहा है? एक बात उन्होंने ये कही, ऐसा लगता है कि भारत में भगवान ओवर टाइम काम कर रहे हैं। What happened? क्यों, क्या हुआ? वे कहते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे आकर पहियों के नीचे गिरना चाहते हैं, पर किसी तरह वे बच जाते हैं। कोई ऐसे ही घुस जाता है, मरना चाहता है पर किसी तरह बच जाता है। तो जब इसे देखते हैं तो लगता है भगवान वाकई यहां ओवर टाइम काम करते होंगे। अगर आप भगवान से ओवर टाइम काम करवाते हैं तो वे भी एक दिन आप पर ऐसा निकालेंगे कि आपको हर चीज के लिए पछताना पड़ेगा। ये मुझ पर भी लागू होता है। तो भक्ति, इसका अर्थ है संपूर्ण भागीदारी, ना कि सद्गुरु मैं आपका भक्त हूं, क्या आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे? मैं क्यों करूंगा? भक्ति का अर्थ है आपकी तरफ से पूरी भागीदारी। जब कोई भागीदारी नहीं होती तब आप बस सामाजिक रूप से सही चीजें करते हैं। आप में से कुछ वो भी नहीं करते, पर ज्यादातर लोग बस वो काम करते हैं जो उनके हिसाब से शिष्टाचार है या जो बस उनकी ड्यूटी है। पर जब आपके अंदर किसी चीज के प्रति प्रेम या भक्ति की गहरी भावना होगी, सिर्फ तभी आप वो सब कुछ करेंगे जो आप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जीवन के हर पल में अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप खुद को किस काम के लिए बचा रहे हैं? क्या आप अपनी कब्र से काम करना चाहते हैं? हेलो, नहीं, लोग आजकल अपने घर से काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी कब्र से काम करना चाहते हैं? आपके जीवन के हर पल में क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप वो सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं? इसी गहरी भागीदारी को भक्ति कहते हैं। भक्ति कोई सौदा नहीं है। सदगुरु, मैं आपके प्रति बहुत समर्पित रहा हूं, पर आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मुझे आपके साथ कुछ करना ही नहीं था। सौदेबाज लोग अलग तरह के होते हैं, भक्त अलग तरह के होते हैं। मेरे साथ कुछ होने ना होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को इसमें झोंक दूंगा, यही भक्ति है।
बस इस उम्मीद से आजादी मिलना कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या मिलेगा। अगर आप बस इससे मुक्त हो जाएं, तो आपका जीवन एक धन्य जीवन है, बस ये जान लें। अगर आप सिर्फ इस एक चीज से मुक्त हो जाएं, मुझे क्या मिलेगा, तो आपका जीवन बहुत ही धन्य जीवन है। हम ईशा में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हजारों लोग ऐसे ही पागलों की तरह काम कर रहे हैं। बाहर से वे वैसे दिखते हैं, पर वे शांत चैन से हैं। वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो दुनिया गायब हो जाती है। हाँ, और उन्होंने अपने जीवन में बस एक चमत्कार ही हासिल किया है कि उनके दिमाग से मुझे क्या मिलेगा निकल गया है। आपको बस इतना ही करना है। भक्ति का अर्थ बस यही है। आप उम्मीद के दर्द से मुक्त हो गए हैं। कुछ भी हो जाए, मैं ठीक ही हूं। क्या बेहतर है? आप जो चाहते हैं वो हुआ, ये बेहतर है? या कुछ भी हो, आप ठीक हैं, ये बेहतर है? बात बस यही है। पर जब आप ऐसे हो जाते हैं, जब आपका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता, तब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक इंसान बस यही कर सकता है। और जब आपको ये चिंता नहीं होती कि आपको क्या मिलेगा, तो कृपा आप तक पहुंच पाती है, क्योंकि आप हिसाब ना लगाएं। सदगुरु, 3 मिनट तक मैंने यह नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितनी कृपा मिल जाएगी। वाकई 3 मिनट मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने बस काम किया, मुझे कितनी कृपा मिल जाएगी। You belong to the marketplace, you don't belong to this life. आपकी जगह बाजार में है, जीवन में नहीं है। इस जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं है। तरीका कोई भी हो, चाहे कोई आपको अच्छे से दफन करे या लोग आपको यूं ही फेंक दें, वैसे भी आप पृथ्वी का एक हिस्सा बन जाएंगे। हेलो, समस्या क्या है? कोई हमें शानदार अंतिम संस्कार दे, ठीक है। किसी ने हमारे शरीर को कहीं फेंक दिया, क्या बड़ी बात है मैं पूछता हूं। जो भी हो, वैसे भी आप धरती का ही एक हिस्सा हैं। अगर आप ऐसी भागीदारी दिखाते हैं कि आप यहां मौजूद हर चीज का हिस्सा हैं, तो कृपा आप तक पहुंच पाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने आप में अलग हैं और आप कहीं और से आए हैं और आप अपने सर पर कुछ ढोते हुए कहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। चीजें आपके आसपास खुद को व्यवस्थित कर लेती हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, तो चीजें आपके चारों ओर अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी, कुछ मात्रा में आराम वगैरह आएंगे। पर आप ढूंढ क्या रहे हैं? क्या आप आराम ढूंढ रहे हैं या फिर तृप्ति? ये आपको तय करना होगा। अगर आप जीवन में तृप्ति खोज रहे हैं, तो भागीदारी जरूरी है। भक्ति का अर्थ है बस बिना किसी सवाल के बेधड़क भागीदारी। भक्ति बस यही है, संपूर्ण भागीदारी, अपना सब कुछ झोंक देना। अगर आप में वैसी भागीदारी है, तो कृपा के झरने बहेंगे, ना कि बूंद बूंद। एक बार आपको ऐसी कृपा मिल गई, आपका जीवन तृप्त हो जाएगा। किस तरीके से, कैसे, आपको हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शरीर, मन और ऊर्जा रुकावट नहीं है और कृपा आप तक पहुंच रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इस जीवन का क्या होगा। जो भी होगा, सबसे अद्भुत चीजें होंगी। बस इतना ही है।